नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम महन पूजा। सेना में भर्ती हुए के जज्बा लय के तैयारी करें और फिर सेना के नौकरी ज्वाइन करें, लेकिन ट्रेनिंग के बाद अचानक तबियत बिगड़ी और उनका देहावसान हो गया। हम बात करेला है कार्तिक विश्वकर्मा, पिता चंद्रिका विश्वकर्मा के, जे रीवा जिले के रीवा जिले में हजूर तहसील के भिटवा गांव के निवासी रहे। नासिक में ट्रेनिंग के दौरान उनका तबियत खराब हो गई, जिनका उपचार सेना के अस्पताल में चल रहा, लेकिन उपचार के दौरान उनका दुखद निधन हो गया। अपना का बताइए कि कार्तिक 10 दिसंबर 2020 का ही ज्वाइन करे रहे और वही तारीख का ठीक एक साल बाद 10 दिसंबर 2021 का उनका स्वर्गवास हो गया है। जानकारी लगते है उनके गांव में शोक की लहर दौड़ी गई हुई है और आज उनके गांव भिटवा में अंतिम संस्कार की गया है। खबर है नई गढ़ी से, जहां चोरी के ताक में घुसे दो लोग चोरी करें और महिला के साथ मारपीट करके भाग गए। पीड़ित महिला बताएं कि घटना के समय लोग खेत में पानी लगावे खातिर घरे से बाहर रहे, उनकर किराना के दुकान ही बे। वही समय रात में जब वो अकेले रही अपनी बहू के साथ, तो उनके घरे में गांव के एक आदमी और के साथ उनकर साथी घुसे और उन महिला के साथ मारपीट करे। पीड़ित महिला बताएं कि उनकर किराना के एक दुकान ही बे, जोने माह ही चोर 50,000 रुपये के साथ उनकर गहना चुराई के लेके फरार हो गए। नई गढ़ी से ये क्या पीट आपके साथ कौन किया? ये किया है बिहारी पटेल का लड़का, उस संत गांव में छोटू छोटू कहा था, अब नाव पिंटू कहाँ का डाला, अब एक थे है सिटिंग करा ला, अब एक थे है भाई हिंगर जुड़मनिया कह रहा है, मामा फूफू का लड़का है, एक थे मामा के, एक थे फूफू के है। मारपीट का कारण क्या है? मारपीट के कारण कुछ नहीं था, दुकान था, दुकान के लिए लूटने के लिए घुसे। कितने बजे घटना? 11 बजे कल की, परसों शाम का, रात के। हाँ, फिर थाने आए, थाने में हो गया लगे, तो एक थे पुलिस वाले हुआ कराई दिन दवाई रिपोर्ट लिख ली नहीं। लूट करने के फिराक से घुसे थे वो लोग? हाँ, लूटने के लिए घुसे थे। उनका नाम मालूम है? नाम एक मिले सना, वो लड़का उन्हें नहीं नहीं बता। मध्य प्रदेश स्वर्णकाल समाज कल्याण समिति के लोगन के द्वारा निकाली गए स्वर्णकाल कल्याण जागृति रथ यात्रा रीवा पहुंची, जेके स्वागत में ही पद्मधर पार्क में कार्यक्रम के आयोजन कीनगा। अपने का बताई कि यह यात्रा 220 विधानसभा और 52 जिला से हुई के रीवा पहुंची है। वहाँ स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष सौरभ सोनी बताएं कि उनकर कुछ मांगी हैं, जो ने माही स्वर्णकारन के कला बोर्ड के गठन, उनके समाज के लोगन खातिर पिछड़ा वर्ग में शामिल करे और हाल मार्क वाली जो अनिवार्यता कीन गरी का खत्म करे के साथ है 6 सूत्री मांगन का लय के वो कार्यक्रम में समाज के लोग इकट्ठा हुए। हम यह बताएं कि यह रथ यात्रा 5 दिसंबर का मैहर से शुरू भई हुए और भोपाल में 16 जनवरी का हिंदी भवन में आयोजित कीन जाये। हमारे इस कार्यक्रम को आज मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के द्वारा निकाले जाने वाली स्वर्णकार कल्याण जागृति रथ यात्रा रीवा पहुंची है, जिसके स्वागत में हमने यह कार्यक्रम किया है। हमारे मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज कल्याण समिति द्वारा 220 विधानसभा एवं 52 जिलों से होकर गुजरने वाली यह यात्रा आज रीवा आई है, इसका रीवा वासियों ने जोरदार स्वागत किया है और हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे स्वर्ण कला बोर्ड का गठन हो, पिछड़ा वर्ग आयोग में हमें भी स्थान मिले, उसमें हमें भी सदस्य बनाया जाए। अगली खबर सुनौरी चौकी के ढखरा गांव से है, जहां बुजुर्ग के खेत से महंगी केबल, पाइप और अन्य सामान चुराए लेगी, जबकि पीड़ित बताएं कि वो अपने खेते में सोवत रहे, जागे पर हल्ला गुहार की तो आरोपी उनका धमकी दे के भाग निकला। वहाँ बुजुर्ग यह बताएं कि सुहागी थाना में रिपोर्ट दर्ज करावे गए, तो थाना में रिपोर्ट दर्ज करावे के बदले रुपये के मांग की चाला ही बे। एक खातिर पीड़ित पुलिस अधीक्षक से मदद के गुहार लगाए नहीं। अपना सुनी पीड़ित के का कुछ कहा है। कहाँ से आए हैं, कौन सा थाना? वीरेंद्र कुमार मिश्र, ग्राम पोस्ट ढखरा, थाना सुहागी चौकी सुनौरी। किस घटना की शिकायत करने आए आज? चोरी करने एवं जान से मारने बाबत। कौन किया है चोरी, कौन जान से मारा? व्यासंकर मिश्र, राजकुमार मिश्र, जगदम्बा प्रसाद पांडे व प्रेम विद्या शुक्ल। घर में चोरी किए हैं? खेत में क्या क्या ले गए हैं? खेत से 500 रुपए की चार्ज,
करीब 4000 का तार केबिल, वह 1500 की पाइप, पानी वाली पाइप। ये चोर कहाँ के रहने वाले हैं, गांव के ही हैं? कोई विवाद है क्या? विवाद था उनसे, जमीन संबंधी विवाद अभी हुआ नहीं, होने वाला है। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।